ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ फाइनली एसएमजीज की लेके। आज हमारी S79U और एमएसएमसी की बात करने वाले, और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ फिर से। मेरी पता नहीं क्यों गेम का साउंड रिकॉर्ड ही नहीं होता सीओडी का, आई डोंट नो। पर ओके, अब अटैचमेंट मैं आपको बताने नहीं वाला बोल के, इस टाइम आपको कुछ समझना पड़ेगा। देख तो मेरी ऑर्डर कितनी ज़्यादा समझदार है। वैसे मैं कुछ चीज़ें बता भी दूंगा आपको। मैंने स्टॉक लगा रखा, पर्क लगा रखी, लेज़र लगा सकती लगा रखी है, और अनबैरल मजल में आप कुछ मत लगाइएगा, बिकॉज गन इतनी काम की है नहीं। मतलब गन के आगे जो मजल है वो इतना काम नहीं करेगा, बिकॉज गन ही इतनी धासू है। और डब्ल्यू से आप मार्क्समैन भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता कि मजल से कोई बैरल से कोई फ़र्क पड़ेगा। ऑप्टिक में आप रेड डॉट या होलो लगा सकते हैं, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस है कि मैं नो आयरन साइड से खेलता हूँ, लेकिन अगर किसी बंदे को ऑड लगेगा तो आप रेड डॉट लगा लीजिए, आप उससे भी खेल लेंगे। रेड डॉट भी काफ़ी बढ़िया, लेकिन मैं आयरन साइड से खेलता हूँ। स्टॉक में मैंने ओडब्ल्यू से स्केलेटन स्टॉक लगा रखा है, और ये क्लैश रॉयल वाला स्केलेटन नहीं है, ये एक स्टॉक का है। सारे बढ़िया, लेकिन हमारे हिसाब से ओडब्ल्यू से स्केलेटन स्टॉक ही ज़रूरी है। पर्क में आप फास्ट रिलोड किल लगा सकते हैं, जिससे कि आप जैसे बंदा मारेंगे आपकी रिलोड स्पीड जल्दी बढ़ जाएगी, यानी कि आप जो गन रिलोड करोगे जल्दी से जल्दी होगा, आप दूसरा बंदा भी जल्दी से मार दोगे। या आप लगा सकते हैं FMJ बुलेट पेनिट्रेशन, या आप लगा सकते हैं वाइल्ड हिप फायर। जब आप स्लाइड या जंप करोगे तो आपकी गन का जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाएगा। या आप डबल किल पे लगा सकते हैं, बुलेट रिकवरी हो जाएगी। लेज़र के बात करते हैं वॉच, या अभी ग्रिप की बात करते हैं। स्ट्राइक फोर ग्रिप लगा रखी है वैसे तो, बिकॉज जी गन के हिसाब से स्ट्राइक फोर ग्रिप भी बेस्ट है। और एम्यूनेशन की बात करूँ तो मैंने 50 राउंड्स लगा रखे, बिकॉज गन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बुलेट फायर रेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बुलेट जल्दी भेजती है, इसलिए मैंने 50 बुलेट लगा रखी ताकि जो जल्दी से जल्दी काम हो जाए। रेयर ग्रिप में तो आपको नहीं लगाइएगा तो भी चलेगा। कैमो की बात करें तो आप कैमो को वैसा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। सेकेंडरी वेपन में मैंने ऐसे मारस लगा रखा है, या आप FMJ भी यूज़ कर सकते हैं, या आप मिली या पिस्तल में भी कुछ भी लगा सकते हैं। ऑपरेटर स्किल में मैंने टेम्पस लगा रखा है, लेकिन अगर आपको कुछ और बढ़िया लगता है तो वो लगा लीजिए। इसमें ट्रिममाइन लगा रखी, बिकॉज अगर एनिमी आपके पीछे भागता भागता आएगा और आपके बाहर थे एमो ने, तब ट्रिममाइन छोड़ कर निकल जाना वहाँ से। एनिमी अगर आपके पीछे आएगा तो ट्रिममाइन से वो मर जाएगा। नेक्स्ट स्मोक ग्रेनेड मैंने इसलिए लगाया, और एक मिनट कैमो क्यों नहीं लगा हुआ था भाई, कैमो लगाओ। तो अब पग की बात करते हैं। शल्कर लगा रखा है ताकि ये गन जब मैं यूज़ करता हूँ, जब कोई सामने तगड़ा एनिमी आ रखा हो, लाइक आपने मेरा अगर 1v1 देखा होगा भवानी के साथ, तो उसमें SMG राउंड में मैंने ये गन चलाई थी। अब वो मैंने रिकॉर्ड किया था कि नहीं किया था वो मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर कोई तगड़ा बिरू प्लेयर हो सामने तो आप ये गन लेके जा सकते हैं, बजा देगी गन उसको। वैसे मेरा टिकमेट भी ये गन यूज़ कर रहा था, लेकिन उसकी गन अभी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी, इसलिए वो ऐसे ही कर रहा था। नेक्स्ट वल्चर, बिकॉज वल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एमो पिक करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज इस गन का फायर रेट काफ़ी ज़्यादा और आपको बुलेट 200 ही मिलने वाली, तो अगर आप TDM खेलो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बुलेट्स। नेक्स्ट है डेड साइलेंस, ताकि एनिमी आपको देख ना पाए। वैसे मैं इस पर हाई अलर्ट लगाने वाला हूँ, ये बढ़िया हाई अलर्ट भी, या फाड़ लेनी आप डेड साइलेंस इंजीनियर, ये सब यूज़ कर सकते।
ओके, तो अब MSMC की बात करते हैं, तो MSMC गन क्लोज रेंज के लिए, फायर रेट के लिए अच्छी है। तो अब MSMC की अपग्रेडेशन की बात कर लेता हूँ, मजल में तो कोई भी नहीं लगाइए तो भी चलेगा। बैरल में मैंने MP लाइट लगा रखी ताकि गन जो बढ़िया से काम करे। OWC मार्क्समैन भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता स्टॉक में मैंने नो स्टॉक लगा रखा है, इससे ईडे स्पीड मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे तो मेरे को MIP स्ट्राइक चाहिए, लेकिन 25 लेवल पे खुलेगा और मेरी अभी सिर्फ 18 ही है। और आप इस पर स्कोप स्कोप का तो भूल ही जाइए, आप इस पर रेड डॉट या आप होलो से या आयरन साइड से खेल लीजिएगा, बिकॉज ये गन हिलती बहुत है क्लोज रेंज में, तो आपको दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा ही, अगर आपने कोई ऐसा वैसा स्कोप लगा दिया लाइक टैक्टिकल स्कोप और समथिंग। अब पक की बात कर लेते तो पक में आप कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको लगाना ही है तो आप वाइल्ड हिप फायर या आप लगा सकते हैं डबल के लिए फास्ट रिलोड गिल। मैगजीन में मैंने 30 राउंड फास्ट रिलोड लगा रखा है, बिकॉज बुलेट ज़्यादा चाहिए, बिकॉज गन का फायर रेट काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए आप फायर रेट देख ही सकते हैं। 92 का लेज़र में आप कोई सा भी लगा सकते हो, OWC लेज़र टैक्टिकल भी लगा सकते हैं। देन रियर ग्रिप की बात करते तो रियर ग्रिप में आप कोई सा भी रियर ग्रिप मत लगाइएगा, गन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है आपकी। देन ऑपरेटर देन सेकेंडरी वेपन की बात कर लेते तो मैंने लगा रखा है FMJ, इसका कैमो है तो लगाओ ना यार, क्या ही कर रहे हैं। देन अगर ऑपरेटर स्किल की बात करते हैं, HIV लगा रखा है, HIV इसीलिए लगा रखा है बिकॉज वो 5 ट्रैप्स होते हैं जो आप एनिमी पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, अगर एनिमी वहाँ से गुजरेगा तो ट्रैप काम करेंगे और उनको मार देंगे। देन अब अगर बात करें थोड़ी स्मोक की, तो स्मोक में तो आप फ्लैश बैंग लगा लीजिए, बिकॉज गन बहुत ज़्यादा हिलेगी तो आपको पता है कि बंदा आपको मार भी सकता है, चांस है, इसलिए आप ये लगा लीजिए। फ्रैग ग्रेनेड स्टिकी ग्रेनेड लगा सकते हैं आप या ट्रिम माइन। देन अब बात करें पग की, तो पग में मैंने शल्कर लगा रखा है, शल्कर ने पर रेजिस्टेंस से ध्यान नहीं रहा गाइस। ये पर रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और पता नहीं क्यों मेरे को वॉइस ओवर करने में पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है फिलहाल। इसमें मैंने लगा रखा है हार्ड फायर्ड, बिकॉज हार्ड वायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज ये गन इसको रिस्ट्रिक्स से मार खा सकती है, इसलिए आप हार्ड वायर लगा लीजिए या आप हमारा वल्चर या ट्रैकर लगा सकते हैं।
देना। ब्लू वाले पग के बात करें तो इसमें मैंने इंजीनियर लगा हुआ है, या आप डेड साइलेंस लगा सकते हैं, या आप शार्पनर लगा सकते हैं अगर आपके पास है, वैसे लिमिटेड ही मिलता है। मेरे मेन अकाउंट पे है जिससे मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट गन होने वाली हमारी DLQ 33। 33 है ना, एक मिनट। या DLQ 33 है गन। ये गन हमने डैमेज के लिए बहुत फेमस है और आपको मिल भी जाती है। लोकस भी आप लगा सकते हैं, लोकस। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे ऑसम एंड पीस आउट। और चैनल पर ना तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो पे। मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय बाय।